नमस्कार मित्रों, आज हमारे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आजमगढ़ पे जो ODOP की एक योजना है CFC योजना, यहाँ पर कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी पधार रहे हैं और इस उपलक्ष्य में तमाम तैयारियाँ हो रखी हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं बाहर गेट पर फिर चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लोग, सभी लोग इकट्ठे हैं, महिलाएं इकट्ठे हैं, ये टेंट लगा हुआ है तो ये अभी आना लोगों का शुरू हो गया है। अभी मंत्री जी को आने में 10-5 मिनट देरी है और इसी समय को उपयोग करते हुए आज मैं आपको एक व्यक्ति से वाकिफ करा रहा हूँ जो है नेशनल अवार्डी। इनके माता पिता भी नेशनल अवार्डी रहे हैं और ये काफ़ी मन से इस काम में लगे हुए हैं, अब भी नेशनल अवार्डी हो चुके हैं। यद्यपि माता पिता जी नहीं हैं लेकिन उस परंपरा को आप आगे बढ़ाते हुए काम को कर रहे हैं। मैं देखिए फ्रंट से दे रहा हूँ, आप हैं मिस्टर राम जतन प्रजापति और ये वो चाक है जो पुराने जमाने की है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। पहले पत्थर की चाक होती थी और ये भी है तो इसमें बैरिंग सेट कर दिया गया ताकि थोड़ी मेहनत कम लगे। मतलब प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच यानी मध्य काल की ये चाक है जिसपे आप इन व्यक्ति को देख रहे हैं जो नेशनल अवार्डी है और इस पर एक पीस बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि भगोना या ऐसा कुछ मॉडल दे रहे हैं और कितने संजीदगी से बना रहे हैं, कितने ध्यान से बना रहे हैं, इसको आप केयरफुली देख सकते हैं। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ और इनके हाथों को दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी कला है इनके हाथों में, एकदम मिट्टी के बारीकियों को समझ रहे हैं, कहाँ पर कितना मोटा करना है, कहाँ कितना पतला करना है, इसको ध्यान में रखते हुए और इसके आकार को दे रहे हैं। ये हैं कलाकार, देखिए जहाँ पे प्लेनिंग करने के लिए आपने लकड़ी का प्रयोग किया हुआ है ताकि इंटरनल प्लेन हो जाए। आप है रामचंद्र प्रजापति, प्रजापति मीन्स ब्रह्मा की संतान जो क्रिएशन के काम आते, जिन्होंने अपने माइंड से अपने दिमाग से एक बढ़िया पीस की रचना कर दिया है और इसकी खूबसूरती को निखार रहे हैं। और कहा जाता है ना फुर्सत से, तो ये फुर्सत से बना रहे हैं और एक बहुत बढ़िया पीस बना दिए हैं। यही कला है निजामाबाद की, मन चाहे आकृति या आकार देना वो भी चाक से। यह हैंडीक्राफ्ट का एक अच्छा नमूना, आप देखिए ये कितनी मेहनत से, ये देखिए डंडे के माध्यम से घुमा रहे हैं और ये लगभग मैं समझता हूँ कि 30 साल पीछे वाला चाक चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस तरह से आदमी अगर दिन भर मेहनत करे तो शायद शाम तक बेहोश हो जाए। फिलहाल अभी चल रहा है, 2-4 बार बनाएंगे अगला पीस बनाते हुए, काफी मेहनत का काम है। अब इलेक्ट्रिक चाक आ चुकी है, बहुत उससे सुविधाएं हो चुकी है जिसकी कार्यक्रम में 4-5 घंटे होती थी, आप 10-12 घंटे काम कर सकते हैं। देखिए आप दूसरा मॉडल बना रहे हैं और मैं शायद पूछूं अभी क्या बनाने का प्लान बनाया आपने? हाँ अभी देखिए जो बना है उसको डोंगा बोलते हैं, ये उसका ढक्कन बना रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत रचना आपकी है और डोंगा भी दिखा दूं आपको मैं, एक खूबसूरत डोंगा और उसके ऊपर जब ढक्कन लगेगा तो लाजवाब, बहुत बेहतरीन लगेगा, क्या लुकअप आएगा। अब देखिए इन्होंने ढक्कन बनाने का प्रोसेस चालू किया हुआ है, इसमें भी बड़ी बारीकियों से ये काम कर रहे हैं। मतलब उंगलियों का, हर उंगलियों का प्रयोग है। देखिए नीचे से ये शायद पकड़ने वाला बना रहे हैं, और उनको सधे हुए हाथों से स्लोली स्लोली ये उसके आकार को डिसाइड करना। और सबसे बड़ी बात देखिए इनके पास आइडिया है, कितना चौड़ा डोंगा बनाया है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी इनको पता है और बिना नापे ही बस एक निगाह से देखे ही है इन्होंने ढक्कन बना दिया उसका। सोचिए अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना, सिर्फ निगाहों से देखने के बाद इन्होंने इसका निर्माण कर दिया और ये देखिए ढक्कन बनके कंप्लीट है। अब ये कंप्लीट डोंगा होगा, इसके बाद का प्रोसेस होता है इसकी खराद या सफाई करना होता है। सफाई करने के बाद मैं आपको इसका पिक्चर फोटो डाल दूंगा मैं, सफाई करने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए अब अगला पीस कुछ और बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सबसे मेहनत का काम होता है चाक को घुमाना, जो घुमा रहे हैं पूरा दम हो जाता है, अभी आदत छूट चुकी है फिर भी दिखाना है। अब देखिए
उन्होंने एक डोंगा बनाया ढक्कन सहित। अगला पीस अभी क्या बनाते हैं देखते हैं, इस बार बिना पूछे ही देखते हैं क्या बनाते हैं। आप इनके हाथों पर ख्याल रखें कि देखिए हर उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल बारीक तरीके से। अब इसको देखिए, मिट्टी को इस तरह आकार देना आसान नहीं, देखने में तो बहुत आसान दिखता है, बट कभी करके देखिए आप समझ में आएगा कि कितना आसान है। तो देखिए ये इसको आकार देते जा रहे हैं, मैं समझता कोई फ्लावर पॉट वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि जो मॉडल ले जा रहे हैं इस हिसाब से फ्लावर पॉट ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत सदे हुए हाथों से, यह है नियामाबाद की खूबसूरती जो ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। आज यही ब्लैक पॉटरी आकर्षित की है माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को, जो इस पॉटरी को देखने के लिए जिले आजमगढ़ में आते हैं, आजमगढ़ से नियामाबाद तरफ आ रहे हैं और इस कला के मुरीद हो चुके हैं और इसको देखने की उनकी हार्दिक इच्छा रही है। उसी तैयारी में आप कुछ पीस बनाते हुए ताकि माननीय मंत्री जी इसको देखें, इसको सराहें, और इसकी सराहना तो पूरे विश्व में होती है। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी मानी जानी ब्लैक पॉटरी है, और आप ऐसे कलाकार हैं जिसको अपने हाथों से इस तरह से आकार देते हैं, खूबसूरती देते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं जिसे ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका देखिए एक और पीस बन करके रेडी है। तो मित्रों मैं कह रहा था कि इस तरह से ब्लैक पॉटरी कैसे बनता है आपको हमने दिखाया बनाते हुए। एक बहुत ही फेमस आदमी है जो नेशनल अवार्डी है, मिस्टर रामजद प्रजापति, वो बना रहे हैं अपने हाथों से, वो भी पुरानी चाक पर बना रहे हैं, अपने आप में एक अनूठा उदाहरण। तो ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।